नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को टाल दिया गया है। सुरक्षा बलों की सूझबूझ के बाद यह बड़ा हमला टल गया है। आपको बता दें कि बारामूला हाईवे पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने आईईडी बिछाई थी और भारी मात्रा में आईईडी बरामद की गई है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है सुरक्षित तरीके से। आपको बता दें कि आतंकियों ने बड़ा हमला प्लान किया था, जिसके बाद खूब आईईडी बिछाई गई थी और ये पट्टन हाईवे के पास आतंकियों ने आईईडी बिछाई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सुरक्षित तरीके से फिलहाल उसे डिफ्यूज कर दिया है और बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। बारामूला हाईवे पर आईईडी बिछाई गई थी, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। आतंकियों के द्वारा ये आईईडी लगाई गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने सूझबूझ से डिफ्यूज कर दिया है। आपको बता दें कि पट्टन के हाईवे पर आतंकियों ने भारी मात्रा में आईईडी बिछाई थी, जिसके बाद वहां पर वो बड़ी आतंकी साजिश करने वाले थे, लेकिन उसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने सुरक्षित तरीके से आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है, जिसकी वजह से एक बड़ा आतंकी हमला टल गया है। वरना जिस तरीके से आईईडी आतंकियों की तरफ से बिछाई गई थी, अगर कुछ भी अनहोनी होती तो भारी मात्रा में बहुत ज्यादा नुकसान होता। फिलहाल सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है और ऐसे में जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जबकि अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। तो फिलहाल लगातार सुरक्षा बल तैनात हैं और पूरी तरीके से नजरें एक एक चीजों पर हैं सुरक्षा बलों की। किसी भी तरीके से वो हर एक आतंकी साजिश को नाकाम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में उन्होंने बारामूला में ये बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी है। फिलहाल ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है।